हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कि जो सेंट लूसिया टिटन ब्लास्ट की शुरुआत जो है 11 जून यानी कल से होने वाली थी, पर सेंट लूसिया टिटन ब्लास्ट को दोस्तों टाल दिया गया है। और सेंट लूसिया का जो है इस पर एक ऑफिशियल अपडेट आया जिस पर कि ये टूर्नामेंट जो है अब जून के आखिरी हफ्ते में खेला जाएगा। उन्होंने अपना ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि ये टूर्नामेंट को 11 जून से ना कराकर जून के आखिरी हफ्ते में कराया जाएगा। ये टूर्नामेंट तो ज़रूर होगा पर अब थोड़ा लेट होगा। दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा अपने स्क्रीन्स पे, जिसमें कि साफ तौर पे बताया गया है कि ये टूर्नामेंट की शुरुआत आखिरी हफ्ते में होगी जून के। तो दोस्तों, और उन्होंने जो है 10 टीमें जो इस लीग में हिस्सा लेंगी उनके भी नाम घोषित कर दिए हैं। जो नाम है दोस्तों, जो टीम हिस्सा लेगी वो है ग्रॉस आइसलेट, बियोबेंसु, सेंट्रल कैस्ट्रीज, साउथ कैस्ट्रीज दोस्तों, महबूबा वैली, मॉन रेपोस, सिटी ब्लास्टर्स, व्यूक्स फोस्ट, चोशी सियोल और सोफ्री फायर्स दोस्तों। और ये 10 टीमों के नाम जो है आपको अपने स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे इस वक्त। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि ये टूर्नामेंट 10 दिन तक चलेगा और टोटल 30 मैचेस होंगे, हर दिन 3 मैचेस होंगे। और जो टाइमिंग होगी दोस्तों वो होगी 6:30 बजे पहला मैच खेला जाएगा, फिर दूसरा मैच खेला जाएगा दोस्तों 9 बजे, फिर तीसरा मैच खेला जाएगा 11:30 बजे। सभी मैचों की लाइव स्ट्रीम आप फैन कोड ऐप पे देख सकते हैं। और जो मार्की प्लेयर्स भी खेलेंगे इसमें और कुछ वेस्ट इंडीज़ के अंडर 19 प्लेयर्स भी खेलेंगे और कुछ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी खेलेंगे। और जो खबर निकल के सामने आ रही है, डैरन सामी और जॉनसन चार्ल्स आपको इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और वेट करिए 31 जून का दोस्तों, और फटाफट ये टूर्नामेंट जो है होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस टूर्नामेंट की दूसरी खास बात है कि इसमें आपको विंसी प्रीमियर लीग की तरह ताबड़तोड़ क्रिकेट देखने को मिलेगी। और दोस्तों 13 जून से जो है ECN लीग भी शुरू हो रही है T10, तो उसकी भी मैच प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैच प्रेडिक्शन के साथ क्रिकेट की न्यूज़ तो मिलती ही रहती है। Okay guys, till the next video, enjoy life.